यदि आप अब हिंदी में स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल के वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना ब्रीज हो जाएगा। एवं आइए इसी के साथ अंग्रेजी के शब्द ब्रीज का हिंदी में क्या अर्थ है यह जान लेते हैं। देखिए, ब्रीज शब्द का उपयोग दो बातों के लिए किया जाता है। ब्रीज शब्द का पहला अर्थ तो है बड़ा ही सरल सा कार्य। वो हिंदी में कहते हैं ना, यह कार्य करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस बात का क्या अर्थ होता है कि यह कार्य तो इतना सरल है कि इसे तो मैं अपने बाएं हाथ से ही कर सकता हूँ। उसी प्रकार यदि कोई कार्य आपके लिए बहुत ही सरल हो तो आप कह सकते हैं कि उस कार्य को करना आपके लिए ब्रीज है, अर्थात वह कार्य आपके लिए अत्यंत ही सरल है। एवं ब्रीज शब्द का दूसरा अर्थ होता है हल्का बहता हुआ पवन। इसी के साथ ब्रीज शब्द के लिए हमें हिंदी भाषा में यह शब्द उपलब्ध हैं, ब्यार एवं मंद पवन एवं हल्का पवन एवं सरल कार्य। अब जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखेंगे तो आपके लिए भी अंग्रेजी बोलना ब्रीज हो जाएगा। इस वाक्य को अंग्रेजी में इस प्रकार कहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इज ए ब्रीज फॉर मी, अर्थात अंग्रेजी बोलना मेरे लिए एक अत्यंत ही सरल कार्य है। अब यहाँ पर मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।